स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 6 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है कार्य। बीते दिनों में एक पुस्तक मेरे हाथ लगी जिसका शीर्षक था हाउ टू बी अ मंडे क्रिश्चियन, अर्थात सोमवारी क्रिस्तीय कैसे बने। हां प्रियो, बड़ा आसान होता है रविवार के दिन क्रिस्तीय स्वभाव में जीना, लेकिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है कि सप्ताह के पूरे 7 दिन हमारा जीवन मसीह के आचरण के स्वरूप हो। बहुत कठिनाई महसूस होती है सप्ताह भर इस बात को मानने के लिए। हमारी जो बुलाहट है वो जगत की ज्योति बनने के लिए है, ना कि चर्च की ज्योति बनने के लिए। और इसीलिए हमारा जीवन जो रविवार का है वो मात्र मंदिर में गुजरता होगा, परंतु सोमवार से लेकर शनिवार तक हम जब दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तब भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि ज्योति के मानिंद रहें। हमारे कार्यों को देखकर लोग स्वर्ग के पिता की महिमा करना चाहिए। हमारे कार्यस्थल पर, हमारे नौकरी के स्थान पर भी हमें मसीही आचरण में जीना है। इन पाठों को बिल्कुल इसी इच्छा से तैयार किया गया है कि हम अपने कार्यस्थल पर अपनी मसीही गवाही को कैसे कर बनाए रखें। अब तक हम लोगों ने इस विषय को लेकर के 6 पाठ सीख चुके हैं। हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे ना करें। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट ओवर डिफरेंशिएट बिटवीन द सेक्युलर एंड द सेक्रेड। पहला पाठ था कि लौकिक और आत्मिक कार्यों के बीच में अधिक अंतर ना करें। लेसन नंबर 2 डू नॉट बी सेटिस्फाइड विथ एवरेज परफॉर्मेंस। दूसरा पार्ट था औसत प्रदर्शन से प्रसन्न न रहें। लेसन नंबर 3 डू नॉट डाउनप्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तीसरा पार्ट नियोजन के महत्व को कम न समझें। लेसन नंबर 4 वॉज डू नॉट वेस्ट टाइम। चौथा पार्ट समय बर्बाद न करें। लेसन नंबर 5 डू नॉट सब्स्टिट्यूट डिवाइन फेवर फॉर हार्ड वर्क। पांचवा पाठ था कि कड़ी मेहनत के बदले ईश्वरीय अनुग्रह को विकल्प न समझें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 6वां पाठ सीखा था एंड दैट वाज डू नॉट हेजिटेट टू लर्न फ्रॉम अदर्स। 6वां पाठ था कि दूसरों से सीखने में संकोच न करें। कार्य कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम 7वां पाठ सीख रहे हैं एंड दैट इज डू नॉट लूज द स्पिरिट ऑफ सर्वेंटहुड। 7वां पाठ सेवकपन की भावना को ढीला न होने दें। मैं इसे फिर दोहराता हूं, हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें, डू नॉट लूज द स्पिरिट ऑफ सर्वेंटहुड, सेवकपन की भावना को ढीला ना होने दें। बहुत से लोग अपने जीवन की शुरुआत सेवा भाव को लेकर के करते हैं और थोड़ा समय बीत जाने के बाद उनके जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है, एक ढीलापन होता है और अंततः यह हो जाता है कि सेवकपन की भावना पूरी रीति से खत्म हो जाती है और वे मात्र पेशेवर बनकर के रह जाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जीवन भर सेवा भाव को अपने में रखें और ईमानदारी से मानव जाति में हर एक की सेवा करते रहें। प्रत्येक ख्रिस्ती के लिए 3 समुदायों के साथ में प्रेम से रहना या सेवा भाव से रहने का एक खास दायित्व सौंपा गया है। मैं आपको पहला कुरंथी और उसके 10वें अध्याय में से और उसके 32 और 33 वचन से बताता हूं। यह इस वचन के बाद हमें मिलता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो
सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखो परमेश्वर की महिमा होती है। अब व्यावहारिक तौर पे यह कैसे कर संभव है, अगले दो वचनों में समझाया है। तुम न यहूदियों को न यूनानियों को और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसे मैं भी सब बातों में सबसे सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाएं। यहां पर तीन समुदायों के नाम लिखे हुए हैं, एक तो है यहूदी, दूसरा यूनानी और तीसरा परमेश्वर की कलीसिया। यहूदियों से तात्पर्य आज के समय में है नामधारी क्रिस्तियों का, तो हमें नामधारी क्रिस्तियों के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। बाद में लिखा है यूनानियों के लिए भी, अर्थात आज के समय में यूनानियों से तात्पर्य है गैर मसीहियों से, तो गैर क्रिस्तियों के साथ में भी हमारा व्यवहार ऐसा रहे कि हम ठोकर के कारण ना बने। और फिर तीसरा समुदाय लिखा हुआ है कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया को भी ठोकर ना लगे, अर्थात जो सच्चे क्रिस्तीय हैं उनको भी किसी प्रकार की ठोकर ना लगे। तो हम देखते हैं गौर करके कि संसार के सब लोग इसमें आ गए हैं, चाहे आप सच्चे क्रिस्तीय लोगों के सामने हो, चाहे नामधारी क्रिस्तियों के सामने हो या गैर क्रिस्तियों के सामने जीवन जी रहे हो, जिनके भी बीच में आप रहते हो, बाइबल हमसे कह रही है कि उनके लिए ठोकर का कारण मत बनो। परमेश्वर की कृपा से मैं सीएमसी वेल्लोर में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में 1971 से 1975 के बीच में कार्यरत रहा, और मैं उनके आदर्श वाक्य से, जो मोटो है उनका, उस वाक्य से बेहद प्रभावित हुआ। वो वाक्य है नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व, सेवा लेने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आए हैं। यह वाक्य वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ वाक्य है। आप जानते हैं प्रभु यीशु ने इस वाक्य को कहां कहा था और कब कहा था? वास्तव में यह हमें मिलता है मरकुस के 10वें अध्याय में, जहां पर लौकिक प्रबंधन के संदर्भ में प्रभु यीशु ये बात कह रहे हैं। मरकुस का 10वां अध्याय और देखिए 42वें वचन से आगे मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। यीशु ने उनको पास बुलाकर कहा, अपने शिष्यों के साथ में बात कर रहे हैं, तुम जानते हो कि जो अन्य जाति के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। तो यह संसार की रीति हो गई, पर तुम में ऐसा ना हो, मसीह विश्वासियों में ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार की रीति पे हमें नहीं चलना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा इस विषय में क्या कहती है, तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। हम यदि बड़े बनना चाहते हैं तो बाइबल हमसे कहती है कि हमको सबका सेवक बनना पड़ेगा, यदि हम प्रधान बनना चाहते हैं तो हमको सबके दास बन जाना पड़ेगा। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे। प्रभु यीशु हमसे सेवा लेने के लिए नहीं आए थे, परंतु सेवा करने के लिए आए थे। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मसीही इस ही वाक्य को अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना ले, अपने जीवन का मोटो बना ले कि नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व, सेवा लेने के लिए नहीं परंतु प्रत्येक मसीही सेवा देने के लिए आया है। प्रियो, जब मैं उन लोगों को देखता हूं तो बड़ा हैरान और दंग हो जाता हूं जो आज भी हमारे देश में मैला ढोते हैं, और ये एक अमानवीय व्यवहार है जो आज भी हमारे देश में हो रहा है। और इस प्रकार का कार्य वे भले ही अपने मुंह को ढांक करके करते हैं, मैं देखता हूं लोग एक घर से दूसरे घर इस प्रकार की विष्ठा उठा करके चले जाते हैं, कुछ नहीं बात करते,
एक बार कुछ लोगों ने इन लोगों से, इस समुदाय से कह दिया, भैया इतनी तकलीफ उठाते हो, एक हड़ताल कर दो, स्ट्राइक कर दो। आपको मालूम है इन भोले भाले लोगों ने तुरंत क्या उत्तर दिया? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो चारों ओर बदबू फैल जाएगी, अच्छी बात नहीं है। इसे कहते हैं सेवा भाव, जहां दूसरों के लिए या सबके हित का मनुष्य सोचता है। आज आवश्यकता है कि हम भी इसी प्रकार की भावना लेकर के सब लोगों की सेवा करें। महात्मा गांधी को देखिए, जिनको भारत देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। एक बार उन्होंने जो वाक्य कहा था, ये उन 2006 के सितंबर महीने की फ्रंटलाइन मैगजीन में छप करके आया है। उन्होंने कहा था, अगर मेरा जन्म इस धरती पर दूसरी बार होता है और मुझे यह चॉइस मिलती है कि मैं कहां जन्म लेना चाहूं, तो मैं एक महतर समुदाय में, एक महतर परिवार में जन्म लेना चाहूंगा। क्यों? ताकि मैं उनके दर्द को समझ सकूं, उनको समझ सकूं, ताकि उनको उठा सकूं, उनके लिए कुछ भलाई का काम कर सकूं। ऐसे वाक्यों से मुझे बड़ी चुनौती मिलती है मित्रों, हमें इन बातों से सीखना होगा। इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? यह कि हमें श्रम की गरिमा को देखना होगा। श्रम की गरिमा से मेरा तात्पर्य यह है कि कोई सा भी कार्य दूसरे कार्य से हीन या नीचा नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये कार्य श्रेष्ठ है, ये कार्य ऊंचा है और दूसरे निम्न स्तर के हैं। इसे कहते हैं श्रम की गरिमा, जिसे हमें बनाए रखना होगा। आप कहते होंगे कि ये सब बातें दफ्तर वालों के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए लागू होती होगी, पर क्या इन्हीं नियमों को, इन बातों को हम व्यवसाय करने वालों को, बिजनेस करने वालों पर भी लागू कर सकेंगे क्या? यदि आप एक क्रिस्तीय दुकानदार हैं तो बाइबल के वचन आपके लिए भी हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने ग्राहकों की सेवा करें। मेरे साथ में निकालिएगा नीति वचन की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसके 26वें वचन में, देखिए क्या लिखा है। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे ऐसे दुकानदार हैं जो जरूरी खाने की चीजों को भी जमा करके रखते हैं, छुपा करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, और जब बाजार में इन चीजों की मूल्य में वृद्धि आती है, बढ़ जाता है, तब ये सामान बाहर निकालते हैं और महंगे दामों में बेच करके बहुत ऊंचा नफा कमाते हैं। बाइबल जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध सीधा सीधा कहती है कि ये शापित लोग हैं। हम अनाज की जमाखोरी या आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के विरुद्ध वचन कह रहा है। हमें, यदि आप दुकानदार हैं, बाइबल आपसे कह रही है कि एक सौम्य प्रॉफिट मार्जिन रख करके उसी को आधार बना करके चलिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी उस कमाई में आपको आशीर्वादित करेगा। यदि पुराने नियम के यूसुफ को आप देखते हैं तो वो भी एक सेवा भाव करने वाला व्यक्ति था। आप जानते हैं यूसुफ के साथ क्या गुजरी। उसके भाइयों ने उसके साथ में बड़ा बुरा बर्ताव किया, गड्ढे में डाला गया, गुलामी में बेचा गया, जेल खाने में पड़ा, लेकिन राजा ने उसको जेल खाने से बुलाया क्योंकि उसने एक बड़ा विचित्र सपना देखा था। राजा अपने सपने के कारण बेचैन था, परंतु जब परमेश्वर के आत्मा ने यूसुफ के द्वारा उस सपने का अर्थ बताया कि अभी 7 वर्ष ऐसे आएंगे जो भरपूरी के वर्ष रहेंगे, हमारे खेत लहलहाएंगे, लेकिन उसके बाद के जो 7 वर्ष होंगे वो अकाल के होंगे, और यह समझाने के बाद में यूसुफ ने फिरौन को यह भी सलाह दी कि इससे कैसे बचा जाना चाहिए। और आपको मालूम है कि यूसुफ के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मुझको बड़ा ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। वास्तव में उसने बड़ी नम्रता से राजा के सामने जो शब्द कहे थे वो पढ़कर के सुनाता हूं।
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और उसके 33वें वचन में लिखा है, यूसुफ ने कहा, अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। आप किसी ऐसे एक व्यक्ति को चुन लीजिए जो बुद्धिमान है, ईमानदार है, अच्छा है, और उस व्यक्ति को आप मंत्री बना दीजिए और उसके हाथ में ये सारी बातें दीजिए कि वो देश में अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त करे और सुकाल के जो 7 वर्ष हैं उसमें उपज का पंचमांश ले करके जमा करे, ताकि बाद के अकाल के 7 वर्ष जब आएंगे तब उनमें से वो लोगों को अनाज बेचा करें। इस प्रकार से उसने साफ दिल होकर के सेवा भाव के मन से रख करके उसने राजा के सामने इन बातों को रख दिया। ये वास्तव में राजा था जिसने यूसुफ को अपने देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यदि आप 38वें वचन से पढ़ें, इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। और इस रीति से परमेश्वर ने इस भोले मनुष्य को, यूसुफ को, जो साफ दिल का था, जो सेवा करना चाहता था, ऐसे व्यक्ति को उठा करके एक सम्मान का स्थान दे दिया। मैं भारत देश में भी देखता हूं मित्रों, तो कई बार मुझे बड़ी चिंता होती है। यहां पर भी जो आवश्यक भोजन वस्तु का वितरण होता है वहां पर भी कई बार भ्रष्टाचार की बातें सुनने में आती है, और यह सब केवल इसलिए होता है क्योंकि हम आत्मा में इन गरीबों के प्रति परमेश्वर का प्रेम नहीं रखते हैं। हमने उस भावना को खो दिया है कि परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए भेजा है। जब तक वो सेवा करने की भाव हमारे अंदर जागृत नहीं होगी, वो ज्वाला नहीं बनेगी, तब तक हम परमेश्वर की बातों को पूरा नहीं कर सकेंगे। हम आज का पाठ जो सीख रहे हैं यही सिखा रहा है कि सेवकपन की भावना में ढीलापन न आने दे। आप चाहे जहां नौकरी करते हो, आप चाहे जिस व्यवसाय में हो, चाहे जो जगह में हो, परमेश्वर चाहता है सेवा करना हमारा काम है, हमें इसे निरंतर करते रहना होगा। एक बड़ी प्यारी चीज उन व्यक्तियों के लिए कही जा रही है जो चोरी करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है चोरी करके ला करके इनको दे दिया और बड़े प्रसन्न हो गए कि हमने इनको खिलाया। लेकिन बाइबल चोरों को भी कुछ सलाह दे रही है। इफिसियों की पत्री खोलिएगा 4वां अध्याय और उसके 28वें वचन में क्या लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। यहां पर परमेश्वर का वचन उनसे जो पहले चोरी चकारी में लगे थे उनसे कहता है, अब उन बातों को छोड़ दो, अब ईमानदारी का काम करो, अब परिश्रम करो, मेहनत की रोटी खाओ और परमेश्वर तुम्हें इतना देगा कि जब तुम्हारे सामने कोई हाथ फैला दे तो तुम उसको अपने परिश्रम की कमाई से दोगे। अपनी चोरी और डकैती की कमाई से नहीं देना है, अपने पसीने की कमाई से गरीबों के हाथ में हमको रोटी रखनी है। जिन व्यक्तियों का मन सेवा भाव से भरा रहता है, बड़े स्वाभाविक तौर से वे लोग आर्थिक मामलों में भी ईमानदार होते हैं। पैसों के मामले में बड़ी सहजता से वे साफ दिल होते हैं। मेरा तात्पर्य यहां पर है आयकर भरने से। हम लोगों को इनकम टैक्स जो देना होता है, जरूरी है कि हम उसमें ईमानदारी से दे। यदि हमको मालूम हो जाए कि ये पैसा जो हम आयकर के रूप में, टैक्स के रूप में भरते हैं, वो वास्तव में जाता कहां है, तब हम बड़ी सहजता से देने को तैयार हो जाएंगे। हमारा टैक्स का पैसा सरकार के उस कोष में जाता है जो लोगों की सेवा करता है, सड़क निर्माण के कार्य में लगा हुआ है, यातायात के जन साधन के लिए इन पैसों का उपयोग होता है, साथ ही गरीबों के लिए आवास योजनाएं इन्हीं पैसों से बनती है।
जगह जगह दूर दराज में बिजली पहुंचाई जाती है, पीने का पानी जहां पर नहीं है वहां तक पीने के पानी का प्रबंध किया जा रहा है। इस प्रकार से अनेकों ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें हमारे कर का पैसा, हमारे आयकर का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा सरकार सदुपयोग में लाती है। मैं सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि आप सब अपने अपने कमाई का जो अंश बैठता है, जो सही गणित के अनुसार जो पैसा आता है बराबर उतना सरकार के पास में जरूर से जमा करा दें, क्योंकि बाइबल की शिक्षा है, ये मेरी शिक्षा नहीं है, बाइबल हमें सिखाती है, वरन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। मेरे साथ में खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। यहां पर लिखा है, जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के कर लेने वालों ने पत्रस से आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हां देता है। जब वह घर पर आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शिमोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से लेते हैं या परायों से लेते हैं? पतरस ने जवाब दिया, परायों से लेते हैं। यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र बच गया। मंदिर यानी क्या? मंदिर यानी यीशु के शब्दों में मेरे पिता का घर। और इसीलिए जो यीशु हैं वो परमेश्वर के पुत्र हुए, इसलिए उन पर कर की छूट बैठती है, टैक्स एग्जेम्पशन लागू होता है। प्रभु यीशु को कर भरने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपको मालूम है क्या कहा उन्होंने? फिर भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। प्रभु यीशु ने यहां पर ऐसे हवा में हाथ फेर करके कोई सिक्का नहीं लेकर के आ गया कि जा और कर चुका दे। यीशु ने कहा, मेहनत कर, जा परिश्रम कर, जा और कार्य कर और वहां बंसी डाल और मछली निकाल, और जो मछली पहले आएगी उसका मुंह खोलना और उसके मुंह में तुझको सिक्का मिल जाएगा और ये मेरे और तेरे बदले का कर होगा। प्रभु यीशु भी कर चुकाया करते थे, इसीलिए आवश्यक है मेरे मित्रों हम भी अपनी कमाई का बराबर का अंश दे और अपने कर को चुकाएं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि सेवकपन का मन रखने से हम बड़े सहजता से अपने सहकर्मियों के या अपने अधीनस्थ जो लोग होते हैं उनके साथ शिष्टाचार से भी पेश आए। नहेमिया की पुस्तक में मैं आपको राजा के शब्द बताता हूं। देखिए, एक राजा है लेकिन अपने सेवक से कैसी बात कर रहा है। अर्तक्षत्र राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है? नहेमिया का मुंह उतर गया था क्योंकि उसने यरूशलेम के बारे में बड़ी बुरी बुरी खबर सुना था। राजा पूछता है, तू बीमार तो नहीं है? फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन की उदासी होगी, तू मन में कुछ छुपा रहा है, मेरे से बता। राजा एक इतनी बड़ी पदवी रखने वाला एक सेवक से इस तरीके से बात करता है, हमें भी इसी प्रकार से पेश आना चाहिए। उसी तरह से मैं आपको उत्पत्ति के 40वें अध्याय में जहां पर यूसुफ उस समय जेल खाने में था, जेल खाने में रह करके भी सेवक भावों के बन से भरा हुआ है, उसके साथ में जेल खाने में दो और नजर आते हैं उसको, और वे बड़े उदास हैं क्योंकि बड़ा विचित्र सा सपना उन्होंने देखा है। और फिर 7वें वचन में लिखा है, उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? यदि आप एक अधिकारी हैं और आपके अधीनस्थ कुछ लोग हैं और कभी कोई उदास दिखता है तो जाइए उनके पास में, उनसे मिलिए और उनसे कहिए कि क्या बात है, आज दुखी नजर आ रहे हो, कुछ तकलीफ तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं है? आपके ये शब्द मात्र उनके लिए बड़े हिम्मत का कारण बन जाएंगे। ये परमेश्वर की आज्ञा है और हमें इस रीति से करना चाहिए। अपने अधीन काम करने वालों को कभी भी धमकी नहीं देना है। जो आपके अधीन हैं उनके साथ में किस तरीके से पेश आना है। इफिसियों के 6वें अध्याय में आइए और उसके 9वें वचन में लिखा है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर
उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आप इस धरती पर स्वामी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मत भूलिए स्वर्ग में एक और बैठा है जो आप पर भी स्वामी होता है। बहुत से लोगों को काम करने का जुनून सवार होता है, वे कार्य को ईश्वर समझ बैठते हैं, वे अपने कार्य की ही पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, बताना चाहूंगा कि कार्य आपकी मंजिल नहीं है, कार्य मात्र आपके मंजिल की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 14वें अध्याय का 18वां वचन कहता है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। हम चाहे जिस किसी कार्य में लगे हों, एक बात का ध्यान रखें कि हमारे कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए और साथ ही लोगों की सेवा भी होना चाहिए। क्रिस्तीय सेवकाई में जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, यदि आप एक पास्टर हैं, क्या आप एक इवेंजलिस्ट हैं, चाहे आप जो भी हो, जिस प्रकार की भी बुलाहट है, बाइबल कहती है पहले आप एक सेवक हैं। रोमियो के पहले अध्याय पहले वचन में पौलुस कहता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और फिर प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। और उसी प्रकार से तीतुस की पुस्तक के पहले अध्याय पहले वचन में भी वो अपने आप को परमेश्वर का दास और फिर बाद में बोलता है यीशु मसीह का प्रेरित। यहां तक कि पत्रस भी कहता है, शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। अर्थात चाहे हम कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, सेवा में कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, कोई सी भी पदवी पर क्यों ना हो, हम पहले सेवक हैं, हम पहले दास हैं और बाद में हम अपने कार्य पर हैं। इस बात को स्मरण रखें, हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। डू नॉट लूज द स्पिरिट ऑफ सर्वेंटहुड, सेवकपन की भावना को ढीला न होने दें।